वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस कैटालिसिस एसिड बेस कैटालिसिस मेनली दो टाइप्स का रहता है एक रहता है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस और दूसरा रहता है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस सबसे पहले स्पेसिफिक एसिड बेस कैटेलिस देखते हैं उसके बाद में इन दोनों में फर्क देखते हैं देखो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कैटलाइज होती है बाय एसिड और बेस ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम एसिड बेस कैटलिस रिएक्शन या एसिड बेस कैटलाइज रिएक्शन जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन होती है किसी बेस की प्रेजेंस में या वो बेस कैटेलाइज रिएक्शन है इसी तरह से हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर्स या हाइड्रोलिस ऑफ कैन शुगर आपने सुना होगा दैट इज कैटेलाइज बाय एन एसिड तो इसलिए एसिड्स और बेसिस भी एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं अब इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जब आर थ्योरी ऑफ एलैक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई थी तो इस उस वक़्त ये दिखाया गया था या ये प्रडिक्ट किया गया था कि एसिड्स में और बेसिस में जो एच पॉजिटिव आयस रहते हैं या ओ एच निगेटिव आय रहते हैं वही एक्ट करते हैं एज एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट यानी एसिड का एच पॉजिटिव आयान और बेस का OH- आयन ही एज कैटलिस्ट काम कर सकता है ये कब दिया गया था यह तब दिया गया था जब सिर्फ आरनियस थियोरी ऑफ एलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन दी गई थी अब एच पॉजिटिव आयान का मतलब होता है स्ट्रोंग एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी डिसोसेट होते हैं और एच पॉजिटिव आयान प्रोड्यूस करते हैं और ओच नेगेटिव आयन का मतलब स्ट्रोंग बेसिस यानि स्ट्रॉन्ग बेसिस जल्दी डिस्चेट होते हैं और वो ओच नेगेटिव आयानस प्रोड्यूस करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपली कि स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस जो है यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस की बात करते हैं या मैं कह सकता हूँ वो रिएक्शंस जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो जाए ऐसी रिएक्शंस को हम कह सकते हैं स्ट्रांग एसिड बेस कैटलिस या कह सकते हैं स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस अभी ये स्पेसिफिक एसिड बेस जो ये तीन टाइप्स की रहती है इसके तीन टाइप्स है एक है स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन केटलिस या स्पेसिफिक एसिड कैटलिस जिसमें एच पॉजिटिव आयन एक्ट करता है एज कैटलिस्ट उसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटलिस जहां पे सिर्फ एच पॉजिटिव आयन ही एज कैटलिस्ट कर सक एक्ट कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैन शुगर ले लूँ कैन शुगर कैन शुगर का जब हम हाइड्रोलिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रांग एसिड तो वहाँ से निकलता है प्रोटॉन स्ट्रांग एसिड से तो ये प्रोटॉन इस हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है और हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बहुत ही फास्ट मिल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग एसिड या मैं कह सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन का जो रेट है एक तो वो इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा यानी कैन शुगर कितना है इसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है दूसरा जो टाइप है वो है स्पेसिफिक हाइड्रोक्ल आय केटलिस यानि ओच नेगेटिव आय केटलिस यानि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ओच नेगेटिव आय ही एज कैटलिस्ट एक्ट करता है फॉर एक्ज़ाम्पल हम एल्डोल कंडेंसेशन अगर लेंगे दो एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होंगे या दो कीटून को अगर हम किसी बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे स्ट्रांग बेस लाइक एन तो उसका ओए नेगेटिव आयन इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और हमें मिलता है एक प्रोडक्ट इसे हम कहते हैं एल्डोल एल्डोल तो ये जो ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और हमें मालूम है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सिबल है रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है और दूसरी बात ये कैटेलाइज होती है एक स्ट्रॉग बेस से तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिल आयन केटेलिस ये रिएक्शन स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सिल आयन से ही कैटेलाइज होती है ये बात याद रखना अब तीसरा जो टाइप है स्पेसिफिक एसिड बेस कैटलिस का वह है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कैटलिस यानी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एच पॉजिटिव आयन एक्ट कर सकता है एज कैटलिस्ट या ओच नेगेटिव भी एज कैटलिस्ट एक्ट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल एस्टर हाइड्रोलिस अगर हम लेंगे इथान एसिड अगर हम लेंगे इसका हाइड्रोलिस एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में भी फास्ट होता है और ओच नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में भी फास्ट होता है यानी इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ये दोनों से ये रिएक्शन कैटालाइज होती है इस तरह से जो नाइट्राइल्स है इनका हाइड्रोलिस भी एसिड से कैटलाइज होता है और बेस से भी कैटेलाइज होता है यानी एच पॉजिटिव आयन से भी कैटलाइज होता है और हाइड्रोक्सिल आयन से भी कैटेलाइज होता है एच पॉजिटिव आयन फिर से कहूंगा मैं एच पॉजिटिव आयन का मतलब रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड और ओ एच नेगेटिव आयन का मतलब रहता है स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एन एच अब देखो दूसरा जो मेन टाइप है वो है जनरल एसिड बेस कैटलिस जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट का मतलब रहता है जहाँ पे कोई भी एसिड या कोई भी बेस चल सकता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है ये जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट तब वजूद में आया जब टेलर लोरी एंड कुछ अदर साइंटिस्ट ने यह दिखाया कि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे आप कोई भी एसिड या कोई भी बेस ले सकते हैं यानी आप वीक एसिड्स या वीक बेसिस भी ले सकते हैं तो जो रिएक्शन स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या वीक एसिड या वीक बेस सबसे हो जाए उसको हम कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटलिस अब इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखो इन साइंटिस्ट ने जब काम किया तो देखा कि जो रिएक्शन स्ट्रॉग एसिड से होती है या एच पॉजिटिव आयन से होती है प्रोटॉन से होती है हाइड्रोजन आयन से होती हैं वही रिएक्शंस कुछ और सब्सटेंसेस से भी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल वो कुछ रिएक्शन एसिटिक एसिड से भी हो सकती है जो एक वीक एसिड है जो अनडिसोसिएटेड एसिड है जिसमें प्रोटॉन डिसोसिएटिड नहीं है या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट एट्सट्रा इन सब्सटेंसेस से भी हो सकता है इन्हें उन्होंने कहा कि स्ट्रॉग एसिड ही काम नहीं कर सकता बल्कि हम वीक एसिड से भी काम चला सकते हैं या हम उन सभी सब्सटेंसेस से काम चला सकते हैं जिनमें टेंडेंसी होगी टू लूज़ प्रोटॉन एच पॉजिटिव अयान या टू लूज हाइड्रोजन तो अयान कोई भी ऐसे सब्सटेंस चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉग एसिड हो अगर वो एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है तो वो रिएक्शन को भी कैटलाइज कर सकता है किस रिएक्शन को एसिड कैटलाइजड रिएक्शन को इसी तरह से जो रिएक्शन्स सिर्फ ओच नेगेटिव आयान से होती हैं ओच नेगेटिव आयन से उन रिएक्शन को हम कुछ दूसरी सब्सटेंस से भी करा सकते हैं कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हों यानी जो प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हो या जो हाइड्रोजन आयन गेन करने की टेंडेंसी रखते हो तो इसका मतलब इसका दूसरा मतलब यह है कि जो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से होती हैं उनको हम वीक एसिड और वीक बेस से भी करा सकते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटल्स यानी जो किसी भी एसिड से या किसी भी बेस से या किसी भी एसिड और बेस दोनों से हो जाए तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है जनरल एसिड बेस केटलिस इसके भी तीन टाइप्स हैं एक वो जो किसी भी एसिड से होंगी उनको हम कहेंगे जनरल एसिड कैटेलाइज रिएक्शन दूसरा जो किसी भी बेस से होंगे लेकिन सिर्फ बेस से तो उनको हम कहेंगे जनरल बेस कैटेलाइज रिएक्शन तीसरा जो किसी भी एसिड या किसी भी बेस से होंगे उनको हम कहेंगे जनरल एसिड एंड जनरल बेस कैटलिस या जनरल एसिड बेस कैटलिस ठीक है तो तीन टाइप्स इसके भी है अब हम एग्जाम्पल्स देखें देखते हैं सबसे पहले जनरल एसिड कैटलाइज रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन देखो आयोडिनेशन ऑफ एसीटून एसिटून का अगर आप आयोडिनेशन करेंगे तो इसका आयोडिनेशन होगा ये किसी भी एसिड से होगा ये आप प्रोटॉन से भी कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं ये फास्फोरिक एसिड से भी कर सकते हैं या क्लोरोएसिटिक एसिड से भी कर सकते हैं यानी या इसके लिए आपको सिर्फ स्ट्रांग एसिड की ज़रूरत नहीं है आप किसी भी वीक या किसी भी स्ट्रांग एसिड से इस रिएक्शन को कैटालाइज करा सकते हैं इसमें सिर्फ एसिड होना चाहिए फिर चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो कोई भी जनरल एसिड से ये रिएक्शन होगी इसलिए मैं इसको कहूँगा जनरल एसिड कैटेलाइज रिएक्शन इसी तरह से नाइट्रामाइड यहाँ पे है हमारे पास में इसका अगर आप हाइड्रोलिस करेंगे तो ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज है लेकिन अगर आप इसमें कोई भी सब्सटेंस ऐसी डालेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो मैं ये कहूँगा कि यह जनरल बेस कैटेइज रिएक्शन है और ये किसी भी ऐसी सब्सटेंस से हो सकता है जिसमें टेंडेंसी होगी टू गेन प्रोटॉन या टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन यानी इसमें आप कोई भी वीक बेस या कोई भी स्ट्रांग बेस अगर आप डालेंगे तो ये रिएक्शन कैटलाइज होगी इसमें किसी स्पेसिफिक बेस की ज़रूरत नहीं है किसी स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत नहीं है कोई भी बेस चलेगा वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए टेंडेंसी होनी चाहिए टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इसमें लेविस एसिड लेविस बेस भी चलेगा सॉरी लेविस बेस या कोई दूसरा बेस भी चल सकता है क्लियर तीसरा जो टाइप है वो है जनरल एसिड बेस कैटलिस यानी जनरल जो किसी भी जनरल एसिड या जनरल बेस से हो जाए उसको हम कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटलिस फॉर एग्जांपल म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज अगर आप करेंगे वो किसी भी वीक एसिड किसी भी वीक बेस या कैटायंस ऑफ वीक एसिड या कैटायंस ऑफ वीक बेस या प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयन किसी भी स्पीशीज से कर सकते हैं चाहे वो वीक एसिड हो वीक बेस हो स्ट्रांग एसिड हो स्ट्रांग बेस हो उससे ये म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ये कैटालाइज़ हो जाता है तो इन रिएक्शन को हम कहते हैं जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय